हेलो दोस्तों, आज मैं अपनी सेकंड वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ। ये इंडिया चाइना के रिलेशन का और उन्हीं के बारे में थोड़ी बहुत और हिस्ट्री जानने का ये वीडियो है, इसका सेकंड पार्ट ही समझ लीजिए। तो इस वीडियो में हम शुरुआत करते हैं कैसे ये कम्युनिज्म आया और कैसे अपनाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्ल मार्क्स की, जो जर्मन के फिलोसोफर थे। 1843 में उन्होंने शुरुआत करी थी, ये थ्योरी लिखनी शुरू करी थी फ्रेडरिक एंगल्स के साथ। और ये कम्युनिस्ट विचारधारा है, एक आइडियोलॉजी है। और इन्होंने कहा था कि कैपिटलिज्म को हमें हटाना है, पूंजीवाद नहीं चलेगा, और जो चलेगा जो रूढ़िवाद चलेगा, कम्युनिज्म है एक तरह का, यानी सोशलिज्म। तो उन्होंने कहा था कि एज ए होल रहेगा, जितने भी देश में पैसा आएगा वो एज ए होल बटेगा, जो मेहनत करेगा उसको पैसा मिलेगा, हमारे लेबर, हमारा एम्प्लॉयमेंट, ये सब हमारे साथ रहेंगे। खैर, चाइना ने ये पॉलिसी अपनाई, सबसे पहले सोवियत यूनियन ने भी अपनाई हुई थी। खैर, सोवियत यूनियन के तो बहुत टुकड़े हो गए हैं, अब रशिया रह गया है। रशिया की भी कम्युनिज्म थ्योरी है, उधर नॉर्थ कोरिया भी यही अपनाता है, किम जोंग, जहाँ पे आप सुनते हो। तो चाइना इस टाइम हमारे साथ पूरी तरीके से वार के जोन में लेकर आ गया है हमें इंडिया को। 1962 से लेकर 1969 तक हमारी टेंशन रही है, 62 में तो फुल फॉर्म में वार हुई थी हमारी। बहरहाल, इस टाइम चाइना ने गलवान वैली को, वो पूरा का पूरा बता रहा है कि ये मेरा है। खैर, हम तो उसमें बाद में आते, तो पॉलिटिकल बात हो गई और सेना की बात हो गई हमारी। तो इस टाइम जो ये लोग कह रहे हैं, मीडिया भी कह रहा है कि भाई अब तो वार होगी इंडिया और चाइना की, तो मैं बताने देना चाहता हूँ कि ये कम्युनिज्म की वजह से चाइना में 70s में ही वन चाइल्ड पॉलिसी अपना ली थी। जी हाँ, 70s के टाइम पे ही वन चाइल्ड पॉलिसी आ गई थी कि एक परिवार में सिर्फ एक ही बच्चा रहेगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। और ये 70s के बाद में अभी ख़त्म हुई है, 2015 में आई थिंक, यस। तो जिस तरीके से अब सेना वहाँ पे खड़ी हुई है और ये आमने सामने है, तो आप ये समझ लीजिए जो इस टाइम पे जवान लड़का वहाँ पे खड़ा हुआ है, जो सैनिक, जो पीएलए यानी पीपल लिबरेशन आर्मी, अगर वहाँ जवान खड़ा हुआ है तो वन चाइल्ड पॉलिसी का है, वो एक परिवार का एक जवान है और एक लड़का है। उस टाइम पे भी लड़कों की चाहत में लड़कियाँ नहीं हुई इतनी पैदा। तो अगर चाइना लड़ता है इंडिया से, तो बहुत ज़्यादा चाइना के ऊपर प्रेशर आएगा, क्योंकि एक जवान के साथ, एक पीएलए का जवान ख़त्म होने के साथ पूरा परिवार ख़त्म होगा। और अगर हम 1000 जवान मार भी देते हैं चाइना के, तो आप समझ लीजिए पूरा 1000 परिवार वहाँ पे ख़त्म होगा 70s, क्योंकि वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से। खैर, ये तो एक साइकोलॉजिकल बात है, क्योंकि चाइना तो हर जबरदस्ती करता है वहाँ के लोगों के, चाहे वो आर्मी में आना भी ना चाहते हो तब भी वो खींच के लाता है। बच्चे के बच्चे वहाँ पे बचपन में ही गायब हो जाते हैं, वो देखते हैं, उनका वाच रहता है, जो उनके स्कूल होते हैं सरकारी स्कूल, वो वाच करते हैं कि कौन सा बच्चा मैथ में अच्छा है, कौन से यानी कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा। एक मूवी भी देखी थी मैंने एक, कि वो डांस अच्छा करता था और उसको बचपन में ही अपने माँ बाप से अलग कर दिया और वो जवानी में आके मिला था। तो ऐसा ही होता है वहाँ पे चाइना में, वहाँ पे वो किसी की नहीं सुनते हैं, कोई परिवार चाहे रो रहा हो। खैर, खबर तो कहीं आती नहीं है, कोई यूएन कुछ नहीं मानता वो। तो अब इस टाइम जो वे फेस ऑफ हो रखा है जो हमारा आर्मी का, तो हमें इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। और ये अगर हम वार भी होती है हमारी, तो इंडिया का जो पड़ला है वो सबसे ज़्यादा भारी है। और मुझे वही टाइम याद आ रहा है जब 1965 में शास्त्री जी ने
एक आह्वान किया था अपनी जनता के साथ कि वार हो रही है, हमारे राजकोष कम हो रहा है। तो वहाँ पे ऐसा लिखा है किताबों में कि औरतों ने अपनी सोने की चूड़ियाँ तक दे दी थी शास्त्री जी के कहने पर। खैर, हमारा तो अब तो काफ़ी ऊंचा बजट है। तो दूसरी बात यह है कि अब इंडिया के, तीसरी बात इंडिया के और चाइना के अलाइज कौन है। चाइना के अलाइज है पाकिस्तान, सबसे बड़ा अलाइज है। वो तो पीओके में भी बिठा के रखा है उसने, अपना हवाई अड्डा भी दे दिया है। और वो एक नेपाल जो है, नेपाल है, नेपाल तो हम बता बोलते नहीं क्योंकि नेपाल तो का कुछ है ही नहीं। तो इंडिया के अलाइज है इस टाइम पे अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, साउथ कोरिया है, ये सारे के सारे। चाइना इन सबको हड़का रहा है, उधर जापान से लड़ने को तैयार है। वहाँ पे तो विदेश मंत्री ने बोल भी दिया है कि जापान हमसे पंगा ना ले, और नाम ख़त्म कर देंगे। और इधर इंडिया के पास फेस ऑफ कर रहा है। खैर, ये तो कोरोना वायरस का सबको मालूम है कि कोरोना वायरस की वजह से ये कर रहा है कि ध्यान भटका है, क्योंकि अब ये बिल्कुल अलग थलग पड़ गया है देश। अब चाइना की कोई नहीं सुनेगा, चाइना का रिजीम जो है, अमेरिका उसके एक तरीके से बिल्कुल उसके पीछे पड़ चुका है, क्योंकि उसने एक तरह का एक बायो वेपन ही छोड़ा है अमेरिका के ऊपर। अगर आप देखेंगे कौन सा स्ट्रेन, कोरोना के दो स्ट्रेन ज़्यादातर हैं, एस स्ट्रेन और एल स्ट्रेन, और जो मोस्ट डेडलीस्ट स्ट्रेन है वो अमेरिका में ही हुआ है, वो एल स्ट्रेन है। और एस स्ट्रेन जो है वो इतना डेडलीस्ट नहीं है, और वो बाकी कंट्रियों में रहा है। तो एक तरह का ये अटैक ही हुआ है अमेरिका पे, और अमेरिका अब इस बात को छोड़ेगा भी नहीं। उसने सोवियत यूनियन, जो उस टाइम की सुपर पावर थी अमेरिका के सामने, उसने उस टाइम पे सोवियत यूनियन को तोड़ दिया था। चाइना तो खैर क्या ही करेगा। तो मैं इस बारे में बात करना चाहता हूँ, दो तरह की भी वार भी होती है, एक तो एक्ट ऑफ वार है, एक आर्ट ऑफ वार है। और एक्ट ऑफ वार और आर्ट ऑफ वार दोनों में ही लिखा हुआ है, इकोनॉमी हमें दूसरे देश की, अगर हमें अपने देश के बंदे बचाने हैं, वार नहीं लड़नी है फुल फ्लैश, देन तो हमें उन पे इकोनॉमी वार करनी चाहिए, जो एक तरीके से अमेरिका ने दो साल पहले से शुरू कर रखी है, ट्रेड वार। तो जीडीपी जो थी चाइना की, वो इतनी हाई चली गई थी, अमेरिका के होश उड़ गए। इन्होंने कहा, उसने अमेरिका ने कहा कि दो साल में तो ये मुझे भी ओवरपास कर देगा, और ये करने भी वाला था, ऐसा कुछ नहीं है। उसने स्टॉक एक्सचेंज सारे अमेरिका के उड़ा दिए, सारे पैसे। तो आर्ट ऑफ वार जो चाइना के ही एक ऑथर ने लिखी थी काफ़ी साल पहले, तो कई सौ साल पहले, सुन ज़ू ने, उन्होंने चाइना को ये पॉलिसी बता रखी थी चाइना की, अपीयर वीक व्हेन स्ट्रांग, व्हेन स्ट्रांग appear weak when strong and strong when weak, yes, कि अगर आप weak हो तो strong दिखाओ अपने आप को, और आप अगर strong हो तो weak दिखाओ। इस time तो खैर चाइना weak ही है, क्योंकि पूरे world ने उसका बहिष्कार कर रखा है, उससे कहीं जवाब मान रहा है। तो अब जो ये communism की बात थी, जहाँ से शुरुआत हुई थी, तो इस कम्युनिज्म में क्या रहा है चाइना के पास। चाइना ने तो खैर अपने लोग बहुत मारे हैं, उन्होंने स्क्वायर में अपने स्टूडेंट रातों रात कई हज़ार स्टूडेंट मार दिए थे कि कम्युनिज्म के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं। तो वहाँ पे कोई धर्म नहीं चल सकता, कोई बात नहीं कर सकते आप किसी सरकार के खिलाफ, जैसे हम इंडिया में गालियाँ दे रहे हैं सारे मिलकर, अरे ये है वो है वो है ऐसे, तो वहाँ तो आप बोल ही नहीं सकते। और जो ये बोल रहे हैं कि टिकटॉक बैन कर दिया हमने, तो यही आर्ट ऑफ वार होती है, इसी को कहा जाता है, और शुरुआत यहीं से होती है। ये शुरुआत हो चुकी है दोस्तों, और इंडिया अब रुकने वाला नहीं है। आज से 70 साल तक हमने काफ़ी देखा है कि जैसे जी रहे हैं हम वैसे ही जी रहे हैं। खैर, अब तो नेशनलिस्ट हो गए हैं हम सारे, और उसमें कोई बुराई भी नहीं है,
अपने देश राष्ट्र धर्म तो होना ही चाहिए, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो। तो जिसकी नाव डूब रही होती है, पाकिस्तान भी उसी के साथ है। और पाकिस्तान के तो विदेश मंत्रालय ने बोल दिया कि समीक्षा करो कि हम चाइना के साथ, पूरा वर्ल्ड उसके खिलाफ है और हम चाइना के साथ खड़े तो पूरा वर्ल्ड हमें बहिष्कार कर देगा हमारा, अगर हम ज़्यादा देर इसके साथ रहे तो। तो अब यही चीज़ है और यहाँ से जो चल रही है चीज़, तो आर्ट एक्ट ऑफ वार में भी इकोनॉमी वार ही बताई गई थी, ब्रेट थोर ने लिखा था ये भी। तो अब दोस्तों बस यही फिर से मेरा से आपसे गुजारिश है मेरी कि जो भी हमारे जवान हैं सरहद पे उनको सपोर्ट करें, क्योंकि उसके मेरी वीडियो के बाद भी मैं देखता हूँ आज भी लोग बैन हो गया टिकटॉक या वो हो गया, तो हर चीज़ मौके के साथ होती है। ये नहीं कहा जाता कि एक बटन दबा के उन पे बम छोड़ देंगे। चाइना तो अपने जवान तक मानने को तैयार नहीं है कि मरा हूँ, मरा है कोई वहाँ पे उनका। तो यही बात होती है डेमोक्रेसी की और यही बात होती है कम्युनिज्म की, जहाँ हमें डेमोक्रेसी में हमें सुना जाता है, जहाँ जिन देशों पे डेमोक्रेसी हावी हुई वहाँ पे कम्युनिज्म नहीं आया, जहाँ कम्युनिज्म हावी हो गया डेमोक्रेसी पे वहाँ पे कम्युनिज्म आ गया, कई लोगों को मार के आया। तो यही बात है। तो और ये एक आइडियोलॉजी है, ये कार्ल मार्क्स ने और फ्रेडरिक एंगल्स ने एक थ्योरी लिखी थी, उन्होंने ये कहीं नहीं कह रहा था लोगों को मारो यार कुछ करो, ये इसको धक्का दो कम्युनिज्म के। तो एक वोट के साथ लगनी चाहिए कि आइडिया आप ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, पर ऐसा हमारे देश में भी है। कन्हैया कुमार जो हैं वो लेफ्ट विंग के हैं जो कम्युनिज्म को सपोर्ट करते हैं, वो एक आइडिया एक पॉलिटिकल विचारधारा है, उसको हमें नहीं बुरा बोलना चाहिए। पर जो लोग सप्रेस्ड करते हैं मीडिया को अपने लोगों को बोलने से, वो बंद होना चाहिए। और अमेरिका इंडिया ये अब खड़ा हो चुका है चाइना के खिलाफ और ये अब ये रुकने वाला नहीं है दोस्तों, और अब इसको आपको सपोर्ट करना है। अब तो साउथ चाइना सी में भी अमेरिका आ गया है, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने भी ये बयान दे दिया है कि कोरोना ख़त्म होते ही देश के बॉर्डर हमारे सेफ नहीं है। वो सीधा सीधा ये बताना चाहते हैं कि चाइना से हमें भी खतरा है। तो अब जो इंडिया और ये लड़ रहे हैं चाइना, तो हमें उसे देखना है, वॉच करना है, सपोर्ट करना है, कन्फ्यूजन नहीं पैदा करनी है। और हमारे देश को जवानों का जो मैंने पहले ही बोलता हौसला बढ़ाना है दोस्तों, मत कीजिए कोई धर्म की बात, मत कीजिए कोई राहुल गांधी की बात, मत कीजिए कोई नरेंद्र मोदी की बात, सिर्फ और सिर्फ नेशनलिस्ट बन जाइए अपनी सेना के लिए। बस यही आपसे मेरी गुजारिश है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मैं जल्दी वीडियो लेकर आऊँगा अगर कोई हमें और अच्छी खबर मिलेगी तो। धन्यवाद।